अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आई होप आप लोगों का सैटरडे बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सो गाइस, टुडे आई रिसीव्ड एन अमेजिंग मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम होम अमेजिंग। उन्होंने मुझे बहुत ही जबरदस्त किस्म के किचन एसेंशियल्स गिफ्ट में भेजे हैं एंड इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स, सो आई हैव टू ओपन इट अप। और मैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कितनी जबरदस्त और अमेजिंग किस्म की चीजें भेजी हैं। सो हियर इज द ह्यूज बॉक्स, जो कि एक्चुअली पूरा आने भी नहीं वाला इस वीडियो फ्रेम के अंदर। सो मैं इसको नीचे रखूंगी और साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन लोगों ने मुझे क्या कुछ भेजा है। देर सच अमेजिंग पीपल। उनको पता चला कि हमने अपना घर शिफ्ट किया है और हम लोग इसको सेटल कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट बॉक्स भेजा है जिसमें किचन एसेंशियल्स हैं। एक्चुअली ये वीडियो पहले मैंने बना चुकी हूँ एक दफ़ा, बट इट वॉज अ वेरी मेस्ड अप वीडियो। उसके अंदर बहुत शोर था और लाइटनिंग भी बहुत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा बनाऊँ। इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी हैं, तो मैं आप लोगों को सही से दिखा तो सकूँ ना। तो फर्स्ट चीज़ जो उन्होंने मुझे भेजी है वो ये ऑर्गेनाइज़र है। दिस इज़ अ बास्केट, इसके अंदर हम लोग फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन पुट सम प्लेट्स इन इट, और अगर हमने अगर कोई सॉसेस वगैरह अपनी करनी है ऑर्गेनाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस फोटो पे बना हुआ है, इस बॉक्स पे ये पिक्चर लगी हुई जिसके अंदर बना हुआ है ये फोटो, इसमें नज़र आ रहा है कि इन्होंने सॉसेस वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। सो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग टू ऑर्गेनाइज योर स्टफ इन द कवर्ड। जिस तरह के 3 to 4 अगर आपके पास हों तो आप अपनी सॉसेस को आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक बास्केट में आप बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें रख सकते हो, जैसे एसेंस वगैरह रख सकते हैं, वनीला एसेंस और लेमन एसेंस, इस तरह की चीज़ें। और दूसरे के अंदर आप चाइनीज जैसे होती है चिली सॉस होती है, कैचअप होती है, ये वाली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो दिस वन इज़ एक्चुअली अ वेरी हेल्पफुल थिंग। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव हेयर इज दिस थिंग, जो कि दरवाज़ों के नीचे लगाते होते हैं। और इनसे क्या होता है, इनके हिसाब के दरवाज़ों के नीचे अगर ज़्यादा स्पेस है तो बाहर से कोई इंसेक्ट्स वगैरह अंदर नहीं आते, और दूसरा ये कि दरवाज़ों की जो खींचने की नॉइज़ होती है वो भी बहुत कैंसिल हो जाती है। सो दिस थिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ अ होम एसेंशियल। इस तरह की मैं अपने घर के सारे दरवाज़ों के लिए इनसे ऑर्डर कर लूँगी। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी हेल्पफुल थिंग। बस दरवाजे के नीचे आप लगा दें, स्पेस नहीं बचेगी तो ऑब्वियसली फिर इंसेक्ट्स वगैरह और वो वाली सारी चीज़ें भी बाहर से अंदर नहीं आएंगी। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव हेयर इज दिस। अक्सर होता है ना, हम लोग हांडी में चम्मच हिलाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे रखें, उसके लिए हम अलहदा से प्लेट ढूंढ रहे होते हैं, और जो हांडी का जो ढक्कन होता है उसको रखने के लिए भी हम सोच रहे होते हैं कि इसको उल्टा करके कैसे रखें। सो दिस थिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके जो चौड़े वाला पार्ट है इसके ऊपर आप उसको खड़ा कर सकते हो, इसका जो ढक्कन होता है हांडी का, और इस साइड के ऊपर जो है ना आप अपना स्पून रख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल थिंग। इसको आप इंटायरली भी स्पून रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। छोटी जगह पर आप मसालों वाली स्पून रख सकते हो, और जो बड़े वाली जगह है यहाँ पर आप बड़े वाला स्पून जो आप खाने में हिला रहे होते हो वो रख सकते हो। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द किचन, अ मस्ट हैव। और एक और जो बड़ी मज़े की चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है वो ये वाली ट्रे है जिसके ऊपर एक ढक्कन भी है। आप लोग ये देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ मोल्ड। इसके अंदर आप आइस भी बना सकते हैं, आप चॉकलेट क्यूब्स भी बना सकते हैं। मेरी सबसे छोटी बहन ज़ैनब चॉकलेट क्यूब्स बहुत अच्छे बनाती है, सो आई एम गोना गिव हर दिस वन। और इसमें जब वो बनाएगी तो मैं आप लोग उसकी शॉर्ट्स दिखाऊंगी। इसकी शेप बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि इस मोल्ड में से निकालना इज़ अ वेरी इजी थिंग। जो प्लास्टिक वाले दूसरे होते हैं ना, उनको यूं यूं करो तो वो बीच में से छोटी छोटी क्रैक्स आ जाती हैं। सो दिस सिलिकॉन वन, आई गेस दिस इज सिलिकॉन, आई एम नॉट श्योर कि इसका स्टफ क्या है, बट दिस लुक्स लाइक सिलिकॉन एंड आई थिंक दिस इज अ रियली गुड थिंग फॉर द किचन। साथ में इसकी कैप भी है, सो अ रियली नाइस थिंग। गाइज नेक्स्ट वी हैव दिस ड्रेनर, जो कि बहुत ही फिट होता है। इसके अंदर आप सब्जी डाल दो, पानी साइड से यूं करके ड्रेन हो जाता है। दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल थिंग। ये यहाँ से अनफिक्स हो जाता है, ऐसे करके अनफिक्स भी हो जाता है। आपने इनको सेपरेटली यूज़ करना है तो आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, और इनको साथ में आपने फिक्स करना है तो आप इनको साथ में फिक्स भी कर सकते हैं। और कलर बहुत फिट है, मुझे आजकल पर्पल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हुई हुई है। सो दिस वन इज़ लाइक अ रियली नाइस थिंग टू हैव इन द किचन, और या इट्स रियली गुड ड्रेनर। क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और जनाब बड़ी क्यूट सी चीज़ है ये, और बहुत काम की चीज़ है। इससे क्या करते हैं हम लोग, लहसुन या अदरक जो भी चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत मिनी 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 छोटे छोटे पीसेस में डालना होता है खाने में, उसको हम इस तरह कर सकते हैं। इधर आप एक लहसुन का पीस रखें और इसको ऐसे कर दें, वो क्रच हो जाएगा और साथ में यहाँ पर आ जाएगा। सो वट यू कैन डू इसके आप क्रश करके इसमें से निकाल के अपने सालन में ऐड कर सकते हैं या खा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। बट दिस इज़ अ रियली नाइस क्रशर, यू कैन से रियली नाइस, आई लाइक इट। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ दिस क्यूट लिटिल ड्रेनर, जो कि आप कावा ड्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़
रियली स्मॉल, आई डोंट नो इसमें पत्ती आएगी या नहीं आएगी, बट ये देखिए आप इसकी शेप जो है वो भी बड़े मज़े की क्यूट सी बनी हुई है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं वो जिससे यूं करके डालते हैं चाय, उसको क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं, यस कैटल बोलते हैं। तो ये उस शेप में बना हुआ है और बहुत फिट चीज़ है, दूर होके बैठ चुके। सो गाइज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हेयर इज दिस पिल ऑर्गेनाइजर। ये बहुत ही कूल पिल ऑर्गेनाइजर है, ये आम पिल ऑर्गेनाइजर जैसा नहीं है। सो वट यू डू इज कि आप यहाँ से इसको खोलते हो और इसमें दवाई डाल देते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते वक्त, और इसको यू बंद कर देते हो, फिर आप बटन प्रेस करते हो और इसका नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, फिर दोबारा बटन प्रेस करते हो तो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है। दिस इज सच अ कूल थिंग, मतलब मैं ये जो हूँ ना गिफ्ट कर दूंगी, किसको दूँ, किस कौन दवाइयाँ ज़्यादा खाता है, बाबा तो इतनी नहीं खाते, ये मैं उनको दे दूंगी ना, हसाम की मामा को दे दूंगी, उनकी तो होती है ना दवाइयाँ, और उनको इस तरह की चीज़ें अच्छी भी बहुत लगती हैं, वो यू प्रेस करेंगी और दवाई बाहर आ जाएगी। सो दिस इज़ अ रियली नाइस एंड अ कूल थिंग बड़ों के लिए या जो भी लोग दवाइयाँ वगैरह खाते हैं उनके लिए, दिस पिल ऑर्गेनाइजर, वेरी कूल पिल ऑर्गेनाइजर। इस चीज़ हमारे पास ये है जिसकी मुझे खुद को भी समझ नहीं आई, तब वो यार ये क्या चीज़ है, कैन यू प्लीज टेल, ये मैं खोल के दिखाती हूँ, कूल है ना, ये यूं लगाते हैं नाक के लिए, ज़ैनब क्यों होगा यार, पता नहीं इसका क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। जी जिन्होंने मुझे भेजा मैं उनसे इसकी डिस्क्रिप्शन लेके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट दिस थिंग लुक्स रियली कूल, आई डोंट नो व्हाट इट एक्चुअली इज, तब कैन यू टेल मी। और एक और जो सेकंड लास्ट चीज़ है, उन्होंने मुझे ये प्यारी सी बॉटल भेजी है जो कि ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल के अलावा आई गेस दिस इज़ एन एयरटाइट बॉटल, और ये ऑयल के लिए यूज़ हो सकती है, सिरका और जो भी आपने इसमें ऑयल एंड विनेगर इस पे लिखा हुआ है, जिन दो चीज़ों का मैंने नाम लिया उन दोनों के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ईजी पोर बॉटल, मतलब इससे यूं यूं गिच 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 यूं करके नीचे नहीं आ जाता ऑयल। सो दिस इज़ अ रियली नाइस बॉटल, और ये हैवी ग्लास की और बहुत फैंसी लगती है किचन में पड़ी हुई। आप लोगों ने पिंटरेस्ट पे अगर किचन देखे हैं या नहीं देखे, आई डोंट नो आप लोगों के क्या इंटरेस्ट है, बट मैं किचन बहुत ज़्यादा देखती हूँ पिंटरेस्ट पे, और उनमें अक्सर इस तरह की ग्लास की बॉटल सेटल हुई पड़ी होती है, बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ये हमारे पास है मसाला ऑर्गेनाइजर, इसके अंदर आप मसाले वगैरह ऐड कर सकते हो, आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से यूं खुलता है और आप क्यों करके यूज कर सकते हो। कैन यू गाइस शट अप। अच्छा गाइस, ये हमारे पास मसाला ऑर्गेनाइजर्स हैं, इसके अंदर आप नमक, काली मिर्च, हल्दी, कूटा हुआ धनिया, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और ये ऊपर से खुल के यूं ऑपरेट होता है, लेट मी शो यू गाइस, यूं करते हैं तो ये खुल जाता है। दिस इज़ रियली ईजी टू यूज़ थिंग और काफ़ी फैंसी है, स्मार्ट सा है, तो किचन में बड़ा हुआ अच्छा लगेगा। हमारे पास ये बहुत ही फैंसी कैंची है जो कि मुझे हमेशा से चाहिए थी, मैं देखती थी वीडियोस में बट आई हैड नो क्लू कि ये मिलेगी कहाँ से, सो लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस। फैंसी कैंची है, इसके अंदर से आप लोग जो है ना पौधे काट सकते हैं, पौधे कह रही हूँ जो धनिया पुदीना होता है, ग्रीन चिलीज होती हैं, वो आप लोग फ़ौरन फ़ौरन यूँ यूँ करके चॉप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फॉर इंस्टेंस अपना ये वाला प्लांट कट करके दिखाती हूँ, इससे जो है ना आपका ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा लाइक दिस, कैन यू गाइस सी, देखा तीन तीन चार चार पीसेस, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देखिए ये इसने सारा चॉप कर दिया, सारा एक ही साइज में, और इसके साथ में ये एक ब्रश भी आया है जिससे ये अंदर से क्लीन हो सकती है कैंची। सो रियली नाइस थिंग्स, थैंक यू सो मच होम अमेजिंग फॉर सेंडिंग दिस अमेजिंग मिस्ट्री बॉक्स फॉर माई किचन एसेंशियल्स, आई लव इट कम्प्लीटली। अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करने किसी भी चीज़ के लिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप लोगों को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा इनके इंस्टाग्राम पेज का, आप लोग वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन केस देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स, मैं वो भी साथ लिख दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, फॉर टुडे आई गेस वी आर डन, मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।